मैं हाइड्रोजन परिवार के पांचवें तत्व का नाम नहीं ले रहा हूं बाबू, क्योंकि वह रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका कोई यहाँ यूज नहीं है। ठीक है ना बाबू? ये मत कहना कि पांचवा तत्व का नाम आप ले रहे हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे बाबू। जब रिएक्शन की बात होगी, इन्हीं चारों की बात होगी बाबू। तो अगर कहीं एक्स लिखा रहे कुंदन मल्होत्रा घर पर बैठा होगा इस समय, तो बाबू सुनेगा कि यक्ष क्या है, तो बाबू क्या जवाब देना सर? यक्ष मतलब कौन है? हाइलोजन। कितने लोग रहेंगे? चार लोग। कौन कौन? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, डाली। सुन रही हो ना? कौन कौन रहती? अगर क्लास में वो रहती तो आगे बढ़ने लगती, तभी सर हमको नहीं समझ आया, लेकिन घर पे समझना बाबू। अगर कहीं सी एच फोर प्लस एच टू लिखा है, यक्ष मतलब क्या समझेंगे? क्या समझेंगे आप? हैलोजन। यक्ष में कितने लोग शामिल है? चार। कौन कौन? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? अब मैंने आपसे कहोगे सर यक्ष यक्ष टू क्या है, इतना मान मारेंगे ना बाबू जो सर मिलेंगे कहां? कोई बात नहीं बाबू, तो सी एच फोर प्लस एक्स टू लिखा रहेगा बाबू। तुम यक्ष का मतलब क्या समझोगे? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और ये आप लोग बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? बेसिक पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है हम लोग सिखा रहे हैं आपको। क्लियर? तो बाबू कैसे मिले? तो कोई पूछेगा क्लोरीन कितना बांड बनाएगा? एक। क्लोरीन कितना बांड बनाएगा? एक। क्लोरीन एक, ब्रोमीन एक, आयोडीन भगवान ने आया तुम लोगों को। आगे चला जाए इसको मिला। अब लास्ट बाबू, इसके बाद कौन आने वाला है? तो इसके बाद आने वाला है नियान, एफई। ये भी होमो दिया गया था, जितना पढ़ा है सब कॉपी पर होना है, और उसको पढ़ने पढ़ना है। अगर सुनो बाबू, ऐसा तुम देखो, अगर ऐसा कहोगे कि आज का कल पढ़ लेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आप गिनो पन्ना, सात आठ पन्ना भर चुका होगा, लेकिन कुछ पढ़ाया वढ़ाया नहीं है, बस मस्ती हो रही है। गिन लो, सात आठ पन्ना हो गया होगा, सही से बनाया होगा, तो कंजूसी किए हो गए, छोटा सा बनाया होगा, चार पन्ना भरा होगा। हम जानते हैं तुम लोग कैसे हो, कलम खत्म हो जाने के बाद भी तुम लोग उसी कलम से लिखते थे, हमें याद है। तो बाबू सुनिएगा आप लोग, एकदम क्लियर करा दे रहे ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना? हम लोग कितना पढ़ लिए? कार्बन पढ़ लिए, नाइट्रोजन पढ़ लिए, ऑक्सीजन पढ़ लिए और क्लियर। अभी मैं हर परिवार सिखाऊंगा। अभी मैंने कौन परिवार सिखा दिया? हाइड्रोजन परिवार सिखा दिया। हाइड्रोजन परिवार को किसे दिखाते हो बाबू? एक्स। जहाँ यक्ष लिखा होगा वहां क्या समझोगे बाबू? हाइड्रोजन परिवार। कितने लोग? चार लोग। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब इन सब सिखाऊंगा, देखना आप लोग भगवान में कि आप लोग को यच एच एक्स को क्या बोलते हैं, एकदम अच्छे सिखाएंगे, सबको आएगा। कई तो मेरे बच्चे बैठे हैं कि एच एक्स क्या होता है हमें नहीं पता, भगवान ने सबसे पहले नाम कैसे रखा जाता है आपको मैं सिखाऊंगा बाबू। अगर ओ पर डबल माइनस है, अगर आप किसी तत्व पर माइनस चार्ज आ गया, उसका नाम कैसे लिखा जाता है, अभी ये सब सिखाएंगे, तब नाम को ले चलते जाएंगे। ठीक है? अभी बेसिक क्लास चल रही है सर। ठीक है? अभी मैं सिखाऊंगा, देखो कितना आसान केमिस्ट्री हो जाएगी, पर किसके लिए? जो रेगुलर पढ़ेगा। ठीक, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं बाबू। नियान एन ई, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बाबू? 10। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बाबू? 10। लिख लोगे इसका? लिखा जाए, चलिए लिखते हैं बाबू। तो क्या लिखते हो बाबू? 1H2। क्या लिखते हो बाबू? 1H2। 1H2 बाबू। फिर बाबू दूसरा क्या होता है?
गिनते रहो, दो दो चार, लिखना कितना बाबू 10। तो अगला क्या आएगा बताइए? अब पता है पी में अधिकतम कितना हो सकता है? 6। तो 2p6 हो गया। तो 1s2 2s2 2p6। आप जानते हो पहला कोश को क्या कहते हैं? आंतरिक कोश द्वार कोश। इतनी बात आ गई होगी, फिर बनाए स्ट्रक्चर, अब नहीं बनाएंगे, अब आगे होगा। तो 1s2 क्या कहलाता है? इनर से। क्या कहलाता बाबू? इनर से। और यह क्या कहलाएगा बाबू? आउटर से। हिंदी में क्या बोलते हो बाबू? वाय कोश। हिंदी में क्या बोलते हो बाबू? आप बताओ वाय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? कहोगे 2। और यहाँ कितना है? 6 6 2 8। बताओ मियान के वाय कोश में क्या बाबू? मियान के वाय कोश में, मियान के वाय कोश में, मियान के वाय कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जवाब क्या दोगे? हाँ अब बताओ नियान स्टेबल है कि अनस्टेबल है? बोलोगे नियान स्टेबल है। सर आप बताए थे यदि किसी तत्व के वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, हम क्या कहते हो क्या है? स्टेबल है। और जो स्टेबल होगा वह बांड नहीं बनाता है। मुझे बताओ नियान कोई बांड बनाएगा? तो कहोगे सर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं। किसी तत्व को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू? 8। सिखाना बाबू कि किसी तत्व को स्टेबल होने के लिए उसके वाय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाबू? 8। यहाँ कितना है? 8। कोई भी कमी नहीं है। जब तक कमी नहीं होती तब तक बांड नहीं बनता है। चूंकि यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है इसलिए बाबू नियान कोई भी बांड नहीं है। पता है बाबू? तो पूछेगा नियान कोई बांड क्यों नहीं बनाता है? आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि उसके वाय कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8। और स्टेबल होने के लिए कितनी चाहिए? 8। अतः यह पहले से क्या है? स्टेबल है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इस लिए नियान कोई भी बांड नहीं बनाता। सुन लो बाबू बांड बाबू अब बताओ नियान कोई भी बांड नहीं बनाता। तो बांड कौन नहीं बनाता है? तुम बाबू बुढ़े हो, थकिया पे लेटे हुए हो, अब जाने का समय आ गया है, बांड बनाओगे क्या? किसी दोस्ती करोगे क्या? नहीं ना। तो जो बाबू को बुढ़ा बेचारा क्या है, सक्रिय है कि अक्रिय है, मतलब एक्टिव है कि इनएक्टिव होगा बेचारा? तो बाबू सर बुढ़ा बेचारा आप ही लोग, जब हम ही कभी एक समय ऐसा है जब जाने का समय आएगा बाबू तो हम लोग कहाँ लेकर रहेंगे? बेड पर अगल बगल वाले कहेंगे बुढ़ा जल्दी चले जाओ यार, क्या दिमाग खराब किए हो बाबू? तो वो बुढ़ा किसी दोस्ती करना पसंद करेगा? नहीं। तो जो बाबू बांड नहीं बनाएगा वो क्या कहलाता है? अप्रिय। क्या कहता है बाबू? अप्रिय। सुन लो बाबू इसे क्या बोलते हैं? इनएक्टिव, इनऑर्ड। ठीक है बाबू। अप्रिय तत्व किसे कहते हो? अगर कोई आपसे पूछे अप्रिय तत्व किसे कहते हो, जवाब क्या दोगे? जो कोई बांड नहीं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रिय, इनऑर्ड गैस। आप सुनो इनऑर्ड गैस का नाम सुने होगे, हमें नहीं मालूम, तुमने सुने होगे? अप्रिय सुने हो ना? अप्रिय मतलब जो कोई काम न करे, जो कोई बांड न बनाए। ठीक है तो बाबू नियान कौन सा तत्व कहलाएगा? अप्रिय तत्व, इनएक्टिव एलिमेंट या इनर्ट एलिमेंट। क्यों बाबू? क्योंकि हम कोई भी बांड नहीं बनाते। आपको समझा पाए इसका मतलब क्या? सीखे नियान कोई भी बांड नहीं बनाता है। ठीक, हम कितना पढ़ लिए बाबू बताओ? तो
कार्बन एक, नाइट्रोजन दो, ऑक्सीजन तीन, क्लोरीन चार, नियान पांच। कैसा लगा आपको? एकदम समझ में आया कि नहीं समझ में? क्लियर? फिर तुम हमसे झगड़ा करोगे, हाइड्रोजन छोड़ दिए, हीलियम छोड़ दिए, बेरिलियम छोड़ दिए, लिथियम छोड़ दिए, बोरान छोड़ दिए, लगता है कि कुछ राज है। कोई राज नहीं बाबू, वो भी सीख लो, मिटा इसको, वो भी सिखाएंगे धीरे धीरे वाले। तो बाबू कोई पूछेगा आपसे नियान कोई बांट बनाएगा, उत्तर क्या दोगे? नहीं, नियान नियान कोई बांट नहीं बनाता। कोई पूछेगा नियान कितना बांट बनाता है? एक दो तीन चार, आप बताओ चार। कोई पूछा नियान कितना बांट बनाएगा? एक दो तीन चार, उत्तर क्या बोल रहे हो? मन में बोल रहे हो चार? अच्छा नहीं बाबू, नियान कोई बांट नहीं, जो कोई बांड नहीं बनाता उसे कौन तत्व कहते हैं? अपक्रिय तत्व। क्लियर? आगे बढ़ा जाए तो कल हम लोग बात कर रहे थे बाबू, कल हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा कौन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा कौन? तो उत्तर दोगे कार्बन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रानी की कोई में चलना था सर, रानी कौन है बेचारी? रानी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है देखने में, अभी देखोगे तुम लोग गिर जाओगे। बचा करना, अच्छे से रहना बाबू, गिरना नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रानी कौन? हाइड्रोजन। समझे? मैं राजा रानी नाम क्यों दे रहा हूँ पता है? कार्बन का साथ जब कोई नहीं देगा, कार्बन का साथ जब कोई नहीं देगा तो कौन हमेशा साथ देगी या देगा? कौन? हाइड्रोजन। इनका जन्म तो इनका संबंध, ये जन्म का नहीं बाबू, ये हर जन्म के साथ ही है। क्लियर? जब सब लोग साथ छोड़कर भाग जाएंगे, आप जब बूढ़े हो जाओगे, जब सब लोग साथ छोड़कर चले जाएंगे, कौन नहीं आपके साथ, कौन आपके साथ हमेशा रहेगा पता है? आपकी वाइफ कि नहीं? बाकी सब लोग भाग जाएंगे, बुढ़ावा जल्दी जाए, नहीं जितने घर में बड़ा खुश हो रहा होगा सर, हम अपने बुढ़ा बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बाबू जब सुन लो ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा कौन? कार्बन। रानी कौन? हाइड्रोजन। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के राजा का कोई साथ नहीं देगा, इसका साथ देने के लिए कौन आएगी? इसकी रानी, और इसकी रानी का नाम क्या है बाबू? हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा कौन? कार्बन। रानी कौन? हाइड्रोजन। अब देखा जाए राजा कितना बांड बनाता है? चार। राजा मतलब कौन? कार्बन। कितना बांड बनाता है? चार। अब देखिए हमारी रानी साहिबा कितना बांड बनाए, हमारी नहीं सोचिए, हमारी नहीं कार्बन। ऐसा मत करना कि सुरेश सर की रानी कौन? हाइड्रोजन। ऐसा नहीं बाबू, मेरी कोई रानी नहीं है, जो है उनका पता नहीं है। ठीक चला जाए तो किसकी खोज में चले? आकाश अग्रहरी के रानी खोज में चले? घर पर बड़ी मुस्कुरा रहा हूँ, मेरा जोड़ी बन गया है, कोई बात नहीं बाबू, चलते हैं। आओ तो हाइड्रोजन के बाद तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना बाबू? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना बाबू? क्लियर? तो आइए लिखते हैं, इसको क्या लिखोगे? 1s1। अब तो कोई और है नहीं, तो बताओ वन क्या बताता है? पहला कोष, यह बताता है उपकोष, आया बताते हैं इलेक्ट्रॉनों की, आप सीखो नहीं पा रहे। चलिए आइए इसका क्या बनाया जाए, स्ट्रक्चर क्या बनाया जाए? तो पहले क्या आएगा मेरे हीरो लोग? नाभिक। पहले कौन आएगा बाबू? नाभिक। वो
उसके बाद कौन कोष आएगा? पाना कोष। कौन सा कोष? अब पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है परमाणु? एक। यह एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, तो मुझे बताओ अब एक अंदर का कोष है कि बाहर का कोष है? तो बाबू इसके बाहर, अगर इसके एक, अगर इसके बाहर एक और कोष होता तो तब कहते यह अंदर का कोष है, नहीं इसके बाहर कोई है? पहले कोष के बाहर कोई है बाबू? तो प्रोफेसर पहले कोष के बाहर नहीं है, अतः पहला कोष ही क्या कहलाएगा? बाह्य कोष। पहला कोष ही क्या कहलाएगा बाबू? बाह्य कोष। क्लियर? अब समझ जाओ। देखो बाबू तुम लोग जानते हो, जानते हो यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। क्लियर? तो देखो यस में केवल दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान सुना रहो। अगर ध्यान सुनो, अगर टू यस टू इधर इधर ऊपर सा सबका होना चाहिए, घर पर तुम सो गए होगे, उठ जाओ। टू अगर टू यस टू पी होता, ध्यान से टू यस टू पी होता, यहाँ दो होता और यहाँ कितना? छह। तो बाबू अगर वाय कोष दूसरा कोष होता तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो कितने होते बाबू? छह दो आठ। क्लियर? अगर वाय कोष कौन होता? दूसरा कोष होता तो स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? आठ। सुन पा रहे हो एक बार? अगर वाय कोष कौन कोष होता? दूसरा कोष, तो उस तत्व को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू? लेकिन बाबू बताओ इसमें कोई यस भी है नहीं? इसमें को, इसमें केवल कौन है? एस। और यस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? दो। तो बाबू हाइड्रोजन स्टेबल कब होगा? जब इसके बाहरी कोष में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे? नो सर। क्यों? क्योंकि आठ इलेक्ट्रॉन की कभी भी लत नहीं सकता। यस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? दो। अगर आठ दे दोगे तो रख पाएगा? आपके घर में ध्यान से, आपके घर में केवल एक कमरा है जिसमें दो लोग रह सकते हैं। आपके घर में केवल एक कमरा है जिसमें दो लोग रह सकते हैं, अब तुम यहाँ इस कमरे में लाकर आठ लोग रख दो क्या? बताओ उसी तरह हाइड्रोजन के पास जो कमरा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अरे बोलो यार, दो। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाइड्रोजन के पास जो कमरा है उस कमरा का नाम क्या है बाबू? यस। और उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाबू? दो। तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं। क्लियर? अब मुझे बताओ, कोई पूछेगा हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए उसके वाह्य कोष में आठ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो बोलोगे नो सर। तब अब यहाँ बाबू हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? उत्तर क्या दोगे? दो। समझे? सुन लो, केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही, यही केवल दो तत्व तो ऐसे हैं, जान लो हाइड्रोजन और हीलियम ही केवल यही दो तत्व तो ऐसे हैं जिनको स्टेबल होने के लिए उनके वाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू? दो। इन दोनों को छोड़कर, क्या हो? इन दोनों को छोड़कर बाकी तत्व के बाहरी कोष में स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आठ। ये बात में डाल पा रहा ध्यान आपको, तो भगवान जी ने मुझे नहीं पता चल रहा है, ध्यान से। जो हाइड्रोजन के पास कमरा है उस कमरे का अधिकतम कितने लोग रह सकते हैं? दो लोग। ना यस भी तो नहीं है, जब वन यस है यस में अधिकतम कितने लोग रह सकते हैं? दो। तीन रख पाओगे क्या? तो बाबू मेरे घर में एक कमरा है इसमें दो लोग रख सकते हैं, तो क्या मैं इसमें आठ लोग रख पाऊंगा? पाओगे नहीं। बताओ हाइड्रोजन अपने कमरे में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? दो। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए अपने वाय कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा? दो तीन चार पांच। तो उत्तर क्या दोगे बाबू? दो। भगवान जाने सिखा पा रहे हैं,
देखो बाबू अब तुम लोग को आता है तो हाँ ना कमेंट बॉक्स में जाके बोल देना चाहिए, ठीक है ना। आगे चला जाए तो फिर सुनो बाबू, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए उसके वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाबू? और तो सर हीलियम को भी स्टेबल होने के लिए उसके वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू? दो। क्लियर, सुनो तो इसको बाबू दो स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू? दो। हम कहते हैं डुप्लेट, क्या बोलते हैं बाबू? डुप्लेट। अगर हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, क्या बाबू? हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है तो क्या है? स्टेबल। अब पूछो कि डुप्लेट मतलब क्या होता है? डुप्लेट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन, समझे? आठ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं पता है? ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। क्या बोलते हैं बाबू? ऑक्टेट। हिंदी में अष्टक नियम, हिंदी में अष्टक, अष्टक मतलब बाहरी कोष में आठ इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक नियम आता है डुप्लेट का, एक नियम आता है ऑक्टेट का। ऑक्टेट में स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आठ, और डुप्लेट को बाबू दो। तो किसको किसको स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाइड्रोजन और हीलियम। अब बाकी सबको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू? आठ। ग्राम डाल दिए होंगे, गया कि नहीं गया बाबू? इसको बना पड़ेगा, गया ना घर पे थोड़ा रिहर्सल बोला करो, कई घर वाले समझे कि पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना। पहले गार्जियन बोलते थे कि हम अपने बच्चे को आपके यहाँ भेज दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने आपके बच्चों को आपको लौटा दिया है और घर पे पढ़ रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है कि, और आप लोग अब कोई भी गार्जियन हमसे शिकायत करने नहीं आएगा कि मेरा बच्चा क्यों कमजोर है घर पे पढ़ना और रीडिंग करना, ठीक है। हम जितना बेसिक कमजोर चिल्ला रहे थे तुम लोग केमिस्ट्री हमको नहीं आती नहीं आती नहीं आती, अब बाबू आएगी, क्लियर। हम बेसिक पढ़ा रहे हैं तो सिखा दिए होंगे, एक होता है ऑक्टेट रूल, एक होता है डुप्लेट रूल। तो कोई पूछेगा डुप्लेट रूल कहाँ चलता है बाबू, क्या बोलोगे? हाइड्रोजन और इसको छोड़कर बाकी सब में क्या चलेगा? अरे बोलो यार, ऑक्टेट, ऑक्टेट और हाइड्रोजन हीलियम का वो डुप्लेट। सिखा पा रहे आप लोगों को बेटा? जिसको तो मुझे बताओ हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए सब लोग मन में बोलेंगे, चिल्लाकर बोलेंगे कि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए उसके वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? दो कि चार? दो, चार, छह, आठ। तो कुछ लिया हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? दो, चार, छह, दो, चार, छह, आठ। उत्तर क्या हो सर? हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए उसके वाय कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाबू? कैसा लगा समय? हीलियम को स्टेबल होने के लिए उसके वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ोगे, हाफ फील्ड, पार्शियल फील्ड, फुल फील्ड, हम वहां पे फील्डिंग करने नहीं जाएंगे, ठीक है। हमारा जो काम है ना बेसिक, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ा दूं आसान, मैं वहां से पढ़ा रहा हूँ, क्लियर, ध्यान से। तो हाइड्रोजन फिर सुनो, हाइड्रोजन और हीलियम, सुन पा रहे हो क्या? सुनो, हाइड्रोजन और हीलियम को स्टेबल होने के लिए उसके वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना चाहिए? दो। पक्का? आगे देखते हैं, आगे बढ़ाया चलिए। अब मुझे हम पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं सर? हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन का परमाणु गुणा कितना होता है? वन। यह हो गया वन एस वन, तो पहले क्या बनाओगे? नाभिक। उसके बाद कौन सा कोष? पहला कोष। अब पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? एक। कितना है?
बोलो बाबू एक, क्लियर? ये सब क्लियर होगा तभी जान पाओगे, एच प्लस होगा, एच माइनस होगा, सीएल प्लस होगा, सीएल माइनस होगा, सीएल प्लस फाइव होगा, सीएल प्लस सेवन होगा, एफ माइनस होगा, एफ प्लस होगा, कब? जब ये सब जानोगे तब सिखा देंगे कि एच प्लस होगा, कि एच माइनस होगा, कि दोनों होगा, समझे? पर यह जानो, क्लियर? यह आपका क्या हो गया? ना भी। इसके बाद कौन कोर्स हो गया? पहला कोर्स। अब पहला कोर्स क्या कहलाएगा? वाहक कोर्स। बताओ हाइड्रोजन के वाहक कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सर हाइड्रोजन के वाहक कोर्स में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। सिखा पा रहे हैं कैसे? और हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के वाहक कोर्स में, हाइड्रोजन के वाहक कोर्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बताओगे बाबू? वीडियो साफ़ है ना? हाइड्रोजन के वाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या बोलोगे बाबू? अच्छा अब बताओ हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। सिखाएंगे बाबू हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। हाइड्रोजन के पास है कितना? एक। तो स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। सिखा पाए बाबू हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या? बाबू हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बाबू? इलेक्ट्रॉन की कमी बराबर एक। क्लियर? मैं सिखा रहा हूं कि हाइड्रोजन और हीलियम कब स्टेबल होते हैं? जब उसके वाह कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाबू हाइड्रोजन का परमाणु गुणा कितना होगा? वन। वन यस वन। पहला कोष ही क्या कहलाएगा? वाह कोष। वाह कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? एक। स्टेबल होने में कितना चाहिए? दो। कितने कमी है बाबू? एक। अब मैंने क्या सिखाया था? जितना कमी होता है वह तब तो उतना ही बांड बनाता है। कोई पूछेगा हाइड्रोजन कितना बांड बनाएगा? तो बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए हाइड्रोजन एक बांड बनाएगा। हाइड्रोजन कितना बांड बनाएगा? उत्तर क्या दोगे बाबू? हाइड्रोजन कितना बांड बनाएगा? उत्तर क्या दोगे? ये बाबू सीखा है एकदम अच्छे से है ना? कोई ये ना सोचना है कि अरे स्टेबल होने के लिए आठ चाहिए, सात की कमी है, सात बांड बनाएगा, ऐसा नहीं। मैंने क्या सिखा दिया कि हाइड्रोजन और हीलियम को स्टेबल होने के लिए उसके वाहक कोष में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस नियम क्या बोलते हैं? डुप्लेट रूल। कौन सा रूल? किसके लिए? हाइड्रोजन और हीलियम के। बाकी सभी तत्वों को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू? आठ। ठीक है ये बाबू, बस को सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बारे में बात हो रही है सर, थर्ड पीरियड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कौन सा पीरियड? सेकेंड। केमिस्ट्री में बाबू बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, बहुत अपवाद है, बच्चों को थोड़ा सा अपवाद बचा के पढ़ाना चाहिए। उन्हें खुद केमिस्ट्री से डर लगता है और इतना अपवाद बता दे तो पागल होकर ढेला मारने लोगे, गए बाइक से दौड़ा लिए हमी को। तो बाबू आपको ऐसा पढ़ाएंगे, मैंने कहा केमिस्ट्री में अपवाद अगर मैं नाम ले लिया पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं बोलूंगा अपवाद तो मुझे बाबू मेरे बाइक से कुत्ता ले दौड़ेगा। ठीक है कभी नाम नहीं लेगा। ठीक है तो हाइड्रोजन के वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बाबू? एक। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के कितना चाहिए? दो। कितने कमी है? एक। हमें सिखाया था जितना कमी होता उतना ही क्या बनाएगा? क्लियर? आइए
आप लोग हमें लगता है इसे बना लिए होंगे, क्लियर। अब पूरा नोट सक्सेस माना, हम कभी बुला करके एक लोग को दो लोग को नोट्स चेक कर लेंगे, भला दे पैसा तो ले लेंगे, फिर भला दे जानते हो कितना आराम टाइप है। इसलिए नोट्स बनना चाहिए, ये नहीं कि सुबह थोड़ा थोड़ा देखेगा तो समझ आए कहाँ मुलाकात हो, मुलाकात कर लेंगे बुला के, क्लियर। आइए ये सब जा कर घर पर बैठे होंगे, हम वीडियो पॉज करके आराम से बनाओ, हम आराम से पढ़ा रहे हैं, 15 दिन क्लास एकदम आराम से चलेगी, तो कैसे सिखा रहे। चलिए बाबू अब बनाते हैं क्या बाबू, हाइड्रोजन। बताओ यहाँ किसको दिखाते हो, वाय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को। यहाँ पर एक वाय कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, एक। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दिखा दिया। अब बताओ हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बाबू, एक। तो बाबू एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मांगेगा किससे, श्रद्धा कपूर से, नहीं ना बाबू। तो किससे मांगा, किसी तत्व से। मान लो कोई तत्व है जो उसको एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया। अब दोनों लोग क्या हो गए, दोस्त। अब दोनों क्या करेंगे सर, हाथ मिलाएंगे। हाथ मिलाएंगे तो क्या बन गया, बांध। अब बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, दो तरह दोगे, एक दो। कितने बाबू, एक दो। अब बताओ हाइड्रोजन के वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो। अब दो हो गया तो क्या हो गया, स्टेबल। अब इसके बाद और बांधना नहीं बनाएगा, तो कोई सवाल पूछेगा हाइड्रोजन कितना बांड बनाएगा, उत्तर क्या दोगे, वन। एक बांड में कितना इलेक्ट्रॉन, दो। क्लियर, हाइड्रोजन सीखिए, आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। वीडियो कितना होगा बाबू, हाइड्रोजन कितना बांड बनाएगा, एक। सिखा दिए। अब लास्ट बात कर लेते हैं हीलियम, क्या कर लेंगे हीलियम। तो बताओ हीलियम को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। सिखा दीजिए हीलियम को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू, दो। अब बनाते हैं, देखते हैं क्या है इसके बारे में, जल्दी बना लेते हैं बाबू इसको, दो मिनट के अंदर, सॉरी इसको नहीं मिटाएंगे है ना, ताकि हम आराम से लिख लें, इन सबको नहीं काम कर। आओ बाबू चलिए, तो बाबू हीलियम को किसे दिखाते हो, एच से। किसे बाबू, एच से। अब मुझे बताओ इसका परमाणु बना कितना होता है, दो। कितना होता है ये सुन लो, फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना, ठीक है। ये तभी आएगा, वो सब तभी आएगी जब ये सब क्लियर होगा, ये बेस चलना है। ऐसा मत समझना सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे, सर फिजिक्स शुरू कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर फिजिक्स क्या कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। जैसे शुरू कर चुके, पहला है आवेश कब पॉजिटिव होगा, कोई तत्व कब पॉजिटिव होगा, कोई तत्व कब निगेटिव होगा, यही चल रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है और बेसिक केमिस्ट्री भी चल रही है। ऐसा मत सोचना कुछ चिल्ला रहे थे फिजिक्स कब पढ़ाएंगे, यह बाबू दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों क्लास चल रही है। तो मैथ नहीं चल रहा है और मेरा मूड नहीं कर रहा पढ़ाने को, पर पूरी कोशिश करके पढ़ा रहे हैं, ठीक। और हीलियम तो बाबू देखो, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, दो। क्या होगा, वन एक्स टू। क्या बाबू, वन एक्स टू, क्लियर। इसका बनाया स्ट्रक्चर, चलो बाबू एक पहले क्या होगा सर बताओ, ए लो घर में बैठे तो मतलब शांत रहोगे, सो गए नहीं ना, सब ऊपर हो, इसे क्या बोलते हो, न्यूक्लियस। नाभिक, तो कोई पूछे ना बार बार कह रहा है नाभिक नाभिक नाभिक, ये नाभिक में होता क्या है, अरे नाभिक में होता है पंचांग, जाओ प्रोटॉन होता है,
और न्यूट्रॉन होता है। हम फिजिक्स रॉक शुरू कर चुके हैं, प्लीज ध्यान देना। तो बाबू नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो इसके अंदर यहाँ कौन कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी बात कब करेंगे? थोड़े देर बाद या दो तीन दिन में करेंगे। अब इसके बाद कौन कोष आएगा? पहला। अब पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? क्या इस कोष के बाहर भी कोई और कोष है? नहीं। अर्थात पहला कोष ही क्या कहलाएगा? वाय कोष। पहला कोष ही क्या कहलाएगा? वाय कोष। तो मुझे जवाब दो, हीलियम के वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन?